कर देखता हूँ अब मेरे बेटी की हालत कैसी है। महाराज क्या बोलू जी बताओ अब हमारा बेटा सदर कैसा है। राजन आप पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा सदर कैसा है। सदर भैया तो पता नहीं कहां चले गए कहां नहीं चले गए उनको हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। ना तो सदर भैया है और ना राजमहल में महारानी जी है। महारानी और सागर जी राज हवेली भी नहीं कोई नहीं है राजन पता नहीं पता हो गया कहां गए कहां नहीं गए। क्या भगवान आखिरी मेरे बच्चे कहां गए होंगे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जाकर देखो हमारे महामंत्री गुमान सिंह का है अभी देखते हैं अभी क्या बात है महाराज आप बहुत घबराए नजर आ रहे हो। हाँ गुमान सिंह डबल कर कि सदर नजर कहा चला गया है क्या और हम हमारी माई सुषमा वो भी राज महल में नहीं है। क्या राजकुमार साजन और महारानी सुषमा रानी गायब हो गए राज महल में नहीं है। ये नौकर क्या करते थे कहां थे तुम लोग। वैसे एक बात कहो मारा कुमार सिंह अब इस राज महल में पागलों की कोई जरूरत भी नहीं है। ना जाने कब किस चीज का वार बना ले और किसको मार दे किसको खत्म कर दे। कुमार सिंह कहिए महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम ठीक ही करते हैं क्या हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगी क्या। अरे हम आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ महाराज तो मेरा मकसद ये पूरा महाराज जी अब तुम्हारी यहाँ पर जरूरत नहीं आज से हो गुमान सिंह वाह क्या क्या सजन रचा है आपने क्या हमने मैं तो तुझे समझ नहीं सका। आज तक ना परख पाया तुझको खबर लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे सब तेरी ही चाल है। वैसे एक बात कहूं महाराज जब सच्चाई ओपे पे आई गई है तो तुम्हारे इस राज दरबार का तहस नहस करने वाला आई एम गुमान सिंह ही है। तो ठीक समझा है तुमने महारानी जी अपनी नाराज होके संग में अकेले वार अकाल तो भी Thank you.
जाल और तांडव बिछाया है आई एम गुमान सिंह भाई। गुमान सिंह दादा का खूब तो लिख लिया और जब हमारी वफादारी सेना पत्थर लगाया हमने सेनापत को साल मान के जेल में डाल दिया। तुम्हें मालूम नहीं महाराज, सेनापत की नजर हमेशा हमारे ही पर रहती थी, इसीलिए मैंने उसे ऐसा टांडो रचा कि वो साला कैद खाने में ही मर जाएगा। जीने तो आता है कि जरा भी होशियारी और चालाकी करने की कोशिश किया ना तो ये गुमान सिंह इतनी गोली मारेगा कि तेरा सीना भी नहीं पहचान मिलेगा। दरबारियों, इस साले बुड्ढे के शाही वस्त्र उतारो और इसे कैद खाने में इसी वक्त डाल दो। शाही वस्त्र उतारो इसके तो हम बताते हैं। जब राधा नाचने आई थी तो महारानी ने उसे हार दिया था और तुमने बलराम बंजारे को पैसा भी लुटाया और यहां तक कि उस बंजारे की लड़की के पीछे तुम्हारा बेटा भी पागल हो गया। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए ये हम चाल चले हैं धीरे धीरे। अब तुमसे ये यहां का राजपाट संभालने वाला नहीं, अब यहां का महाराज मैं बनूंगा और इस राजा को हम इतना खुश रखूंगा कि ये खुशी की आंसू में रोएंगे। कुमार सिंह आज वक्त तेरा है करेंगे भगवान ने करो, कभी ऐसा वक्त आया तो ऐसी मौत मारूंगा तुझे कुमार सिंह। पाली तो पास होगा लेकिन देने वाला कोई नहीं होगा। काले बुड्ढे मौत के मुंह में खड़ा है और मुझे मारने की धमकी देता है। अरे मारता तो ऐसा हूं अभी तुझे मालूम भी नहीं होगा। आई एम गुमान सिंह से बात करता है, ले जा रहे हैं तो इसकी साले की सूरत भी नहीं देखना चाहते। खाने में बंद कर दे साले को, खाना पीना नहीं देना। साला गुमान सिंह से बात कर ली, अरे यहां आज तक किसी की बात नहीं हुई मुझसे नजरे मिलाने की। ये साला दो टके का महाराज गुमान सिंह से बात करता है, अरे इसीलिए तो कहते हैं नाम है गुमान सिंह भूचाल को पछाड़ दूंगा, काले नाक की केचुल उतार दूंगा। यार महाराज ने वो कैद खाने में होंगे और विजय सिंह वो कैद खाने में होंगे, अब बच्चे ने हम दिमाग डालो। महाराज को कैद खाने में बंद किया और मुन्नी डलवा कहाँ है? मुन्नी डलवा पता नहीं बाबूआ इतना गैर हाजिर हाथ पता नहीं एक तरफ गया। आने दे उसे, सबसे पहले हम उसके बदन से खून निकालूंगा फिर उसे समझाऊंगा नालायक को। लेकिन तुझे ड्यूटी अंदर करना है कि बाहर करना है ये बताओ। जहाँ कहोगे वहां करेंगे, ड्यूटी जहाँ करना है सख्त से ही करना है। महाराज और सेना पताकर खैर खाने से निकल गए हाँ? तो फिर ये समझ लो कि तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। दोनों के रहते हुए कैद खाने से कोई निकल नहीं सकता। कल कल उन हराम जादों की सबसे पहले 9 बजे फांसी कराऊंगा और 10 बजे यहाँ का महाराजा बन जाऊंगा और फिर यहाँ की राया खुशियों से झूमेगी, हम रुपया पैसा बांटेंगे जैसे मोदी सरकार। कायदे से ड्यूटी कर और उसकी भी ड्यूटी लगा, खाना पीना भी नहीं देना है, कुछ नहीं देंगे। ये इशरफ कार्ड पे मिला है कारे? आज की ताजा खबर, जब से आपका छत्र छाया भाई इशरफ कार्ड पे जेसीबी मिल रहा है। अरे नालायक, ऐसी जेसीबी हम तुझे हजारों लाके दूंगा लेकिन महाराज और विजय सेनापति इस कैद खाने से निकलना नहीं चाहिए। महाराजों का गिरफ्तार,
महाराज को तो हमने कैद खाने में डाल दिया, कल 9 बजे उनकी फांसी होगी और 10 बजे हम महाराजा बनेंगे, तू क्या बनेगा रे? जाऊन कहा हम बन जाई। दिमागी ललवा को तो सोचता हूँ मंत्री बना दू, सेनापत तुझे क्या? एका मंत्री न बनाओ के खड़ी है हासुली। तो कोई बात नहीं, तू मंत्री बन जा, हमको मंत्री को सेनापत बनाओ। चलो चलो, जोन बनाई है तो बना दे, टाइम तो आवे तो चले रे, फटाफट ड्यूटी पे लग जाओ, कोई कमी कोई निगरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाय हाय, ये आ रहे राम सेवा, आप डिस्ट्रिक्ट उन्नाव को रहने वाले हैं, गुमान सिंह के काम पर खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं और उनका कहना है चड़क फड़क के साथ काम करिए। ठीक है, बड़ा नीक सार काम करे है ना सर, उठाई की साला चोर सबका मार रहा, जो को गुमान सिंह का पैसा दे सबसे पहले वे हम घर गिर वो ये जैसी। अरे चल है कहना है, अरे ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया? विदेशी मुझे बात कर दो, विदेशी आप बेकसूर हो, ये सब किया धरा उस खराब यदि गोबाल सिखा है, मुझे बात कर दो। अरे मैं कहीं का नहीं रहा विदेशी, हमारा बेटा साजन न जाने कहा गुम हो गया है और महारानी का भी कुछ पता नहीं है। ओ दरिद्र घुमान सिंह, हमें इस कैद में डालकर हमारा राजपाल सब कुछ छीन लिया है, मैं तो कहीं का नहीं रहा, अब मैं इस जिंदगी में अपने बीवी बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगा और न ही अपना राज उस गुमान सिंह से कभी वापस पा सकूंगा। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ कहते थे किस जल्दी नुसरत है और इसको हमारे कुछ खास ही आदमी जानते हैं, तो कुछ कीजिए राजन, नहीं तो इस जल में पले पले हम लोग सड़ जाएंगे, कुछ कीजिए राजन। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, अगर हम इसी तरह इस जेल में पड़ा रहा तो गुमान सिंह हमारी प्रजा पर बहुत अत्याचार करेगा और हमें बीवी बच्चों से कभी नहीं मिल सकेंगे। इसी जेल से स्वयं नहीं हुई है जिसका पता हमें और हमारे खास आदमियों को है, से निकलकर ए राज छोड़कर किसी दूसरे राज में चले जाएंगे और किसी हम इस जेल से उस सुरंग से निकलते हैं। अरे ठीक हो जाएगा नालायक, कुर्सी पे बैठने का मिल गया साले, हिटलर की औलाद बन गया है।
साले इसी तरह सोओगे कहे महाराज सेना पर निकल गए तो साले हम तुम्हारी टट्टी पतलून करेंगे। ये टट्टी का बाबू हम सोए गए लेकिन अंदर बंद है, बंद है तो कहाँ निकल पाई है। मैंने कहा था ना कि 9 बजे उनकी फांसी होगी, जब फटाफट उन्हें निकाल कर लाओ। सबसे पहले हम फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगा, फिर 10 बजे यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। हम मंत्री, तू मंत्री बनेगा, वो सेनापत बन जाएगा। ठीक, फिर तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, और अब 2 पहिया से नहीं बल्कि 4 पहिया से आए जाएगा। ठीक कहो, ठीक कहो। जा पहले लेकर के सेनापति और महाराज। बहुत देर से बकबकारो निकलो, तुम लोगों की फांसी हो गया। ये सेनापत है कि महाराज महपाल है? अरे साले ये वो नहीं है, ये तो तेरे बदन पे चलने वाले हैं। ये सेनापत और महाराज मारे वाले ही तो। साले इनको लेकर आएगा तो और क्या हम तेरी आरती उतारेंगे? मरे वाले हैं, मरने वाले ने उनको लेकर आ। ये साले बैठे हैं वो। ठाकुर साहेब इनका सारे का पकड़ के ला लियो। लेकर आए और साले हमारे मुंह में घुसे रहा। ये कौन है? हम कई सेना बताए, पूरा गेट खोली तो बताई। ये खोल। हाँ साले ये खोल। ये बड़ा गबज होएगा। अरे साले गजब हो गया कि गबज रे। ना तो कहाँ गए? ना तो सेनापत और ना तो महाराज महिपाल सिंह। नालायक तू यहीं पर सो करके और साले कह रहा था दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। नहीं नहीं, महाराज और सेनापत निकल गए, अगर वो साले हमारी जिंदगी में तेल लगा दिया तो। सुरंग, सुरंग ये साले सुरंग का है रे। हमका लागत यही कि तूनो भागे। अरे जब सोओगे तो वो भागेंगे नहीं, और क्या तेरे पास आके तेरे पाले। अरे तो बाहर की निकल यही का सुन दे, ये अपन तो दिल पागल करे ने, आपका दिल भी पागल करे। मक्खी ले लो। अरे बना बनाया काम चौपट हो जाएगा नालायक। तो क्या करोगे? अबे इधर आ, ये सुरंग है ना, इस सुरंग की तू जाओ मक्की ललवा, तू उस रास्ते से हाँ। अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ हम पकड़ के साले को वही गोली मार। निकल आए लेकिन हमें रात छोड़कर भागने होगा, हमारे से किसी बाही हमें खोज निकालेंगे। चलो अरे नालायक किसी तरह झूमेगा, अगर निकल गए तो फिर तू ही गोली खाए। आखिर हम भाग कर जाएंगे कहा? भाग कर जाएंगे, एक लोगों से हम पतले जाएंगे। तो सच बात है राजन कि हम भाग करके जाएंगे कहा, और गोमान सिंह के कर्मचारी हमें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होंगे, सिपाही हमें ढूंढ रहे होंगे।
हम कहां भाग जाएंगे। हम आपसे तरकीब बताते हैं, हमारी बात को गौर से सुनिए। कहना क्या चाहते हैं सुनिए रजन। और अपना राज नहीं मरने से कहना, लो अपना राज नहीं मरने से कहना। और जिस जगह पसीना किले आपका अपना खून, नमक मैं आपका उसको अदा करूंगा, खाया नमक मैं आपका उसको अदा करूंगा। और जब तक किसी का जान है आपकी रक्षा, ये काया नहीं अमर है और बहादुर सिपाही को मारने आपका गुलाम, आपके इस राज और महारानी और राजकुमार के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन आपके ऊपर जरा सा खर्च नहीं आएगा राजा। बिल्कुल सत्य कहते हो तुम, आखिर हम भाग कर जाएगी तो हाँ, और ऐसे भागते रहे तो दिल पकड़े जाएंगे और मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मैं तुम्हें अपनी बीवी को मिल सकूंगा और न ही अपने बच्चे से कभी मिल पाऊंगा। तो जैसे हार सत्य कहते हो, आज के बाद मैं भोला भाला महाराज महिपाल सिंह ही गलती देखू मसीहा के नाम से जाना जाऊंगा। हम अपने भेष काकू को बुलाकर अपने बेटे साजन और महारानी सुषमा की खोज करेंगे, और मौका मिलते ही हम भूपन नगर प्रार्थना करके उसकी मानसिंह से अपना राज्य वापस देंगे और उस कुत्ते की मौत मारेंगे। क्या नहीं रजन, चलिए रजन, चलिए अपने सीमा सरहद के पास से निकलते हैं। और मैं काफी गोला बारूद और हथियार जमा कर, आइए हमारे साथ।
और किसी की चले भी किसी की आई ना जाओ। Thank you.